पिछले बहुत से दिनों से, और अब जो 4 दिन बाकी बचे हैं उसमें आप देख सकते हैं लोगों का उत्साह बहुत अच्छा है, लोगों को कांग्रेस की नीतियों में विश्वास है, और मैं समझता हूँ इस जोश को और उसको बरकरार करते हुए लोग इस धर्म युद्ध को लड़ रहे हैं, और मुझे पूर्ण आशा है कि हमारी कांग्रेस की अच्छे मार्जिन से जीत होगी इस सीट की। और जो लोगों की मैं सॉर्ट ऑफ यू नो रिस्पॉन्स देख रहा हूँ, और जिस प्रकार से लोग बड़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे भी, मैं जानता हूँ खैर ये तो वार्ड पहले से ही प्रतिष्ठित है और यहाँ पे हमेशा ही बहुत अच्छी तरीके से लोग आते हैं, लेकिन सब जगह मैंने देखा है सभी वार्डों में और सभी गांव के क्षेत्रों में लगभग ऐसी स्थिति है कि लोग पूरी पूरी संख्या में आ रहे हैं, इसके बावजूद भी उनके अपने भी बहुत काम हैं, कई बार घास काटना पड़ रहा है, कई जगह टमाटर का है, यहाँ भी ऐसी बहुत सी, हमारा ये भी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र ही है बेसिकली, बट मिल गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी मिले जुले लोग रहते हैं, और मुझे पूर्ण आशा है कि जिस प्रकार से मैं जोश देख रहा हूँ तो अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है। देखिए हर एक पार्टी की अपनी विचारधारा के अनुसार संकल्प पत्र बनता है, क्या प्रायोरिटीज़ और क्या प्राथमिकताएँ वो चाहते हैं समाज में, और खास करके जो जैसे जैसे हालात हैं उसमें निपटने के लिए 2017 में भी दिया था उन्होंने। हाँ, उन्होंने तो जो दृष्टिपत्र है उनका 2017 में भी दिया था, पर मुझे नहीं लगता कि वो उसके अनुसार चले हैं। मैं समझता हूँ हमारी जो भी चीज़ें हमने रखी, खासकर जो 10 गारंटी रखी है, वो आप देखेंगे कि कहीं भी हम उसमें चूक नहीं करना चाहते, और किसी भी प्रकार की चूक होने की संभावना है भी नहीं, क्योंकि वो बहुत सोच समझ के दिया गया डॉक्यूमेंट है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का तो आप खुद ही जानते हैं 2014 से एक अब तक न जाने कितने वादे उन्होंने किए, राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी, मुझे नहीं लगता कि वो उनके खरे उतर सके हैं। पिछले बहुत से दिनों से, और अब जो 4 दिन बाकी बचे हैं उसमें आप देख सकते हैं लोगों का उत्साह बहुत अच्छा है, लोगों को कांग्रेस की नीतियों में विश्वास है, और मैं समझता हूँ इस जोश को और उसको बरकरार करते हुए लोग इस धर्म युद्ध को लड़ रहे हैं, और मुझे पूर्ण आशा है कि हमारी कांग्रेस की अच्छे मार्जिन से जीत होगी इस सीट की। और जो लोगों की मैं सॉर्ट ऑफ यू नो रिस्पॉन्स देख रहा हूँ, जिस प्रकार से लोग बड़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे भी, मैं जानता हूँ खैर ये तो वार्ड पहले से ही प्रतिष्ठित है और यहाँ पे हमेशा ही बहुत अच्छी तरीके से लोग आते हैं, लेकिन सब जगह मैंने देखा है सभी वार्डों में और सभी गांव के क्षेत्रों में लगभग ऐसी स्थिति है कि लोग पूरी पूरी संख्या में आ रहे हैं, इसके बावजूद भी उनके अपने भी बहुत काम हैं, कई बार घास काटना पड़ रहा है, कई जगह टमाटर का है, यहाँ भी ऐसी बहुत सी, हमारा ये भी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र ही है बेसिकली, बट मिल गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी मिले जुले लोग रहते हैं, और मुझे पूर्ण आशा है कि जिस प्रकार से मैं जोश देख रहा हूँ तो अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है। देखिए हर एक पार्टी की अपनी विचारधारा के अनुसार संकल्प पत्र बनता है, क्या प्रायोरिटीज़ और क्या प्राथमिकताएँ वो चाहते हैं समाज में, और खास करके जो जैसे जैसे हालात हैं उसमें निपटने के लिए 2017 में भी दिया था उन्होंने। हाँ, उन्होंने तो जो दृष्टिपत्र है उनका 2017 में भी दिया था, पर मुझे नहीं लगता कि वो उसके अनुसार चले हैं। मैं समझता हूँ हमारी जो भी चीज़ें हमने रखी, खासकर जो 10 गारंटी रखी है, वो आप देखेंगे कि कहीं भी हम उसमें चूक नहीं करना चाहते, और किसी भी प्रकार की चूक होने की संभावना है भी नहीं, क्योंकि वो बहुत सोच समझ के दिया गया डॉक्यूमेंट है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का तालुक है, आप खुद ही जानते हैं 2014 से एक अब तक न जाने कितने वादे उन्होंने किए, राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी, मुझे नहीं लगता कि वो उनके खरे उतर सके हैं।